मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। कैसा लगा लेकिन? हाय हाय हाय, अब्बा जी की याद आ गई है। क्या अब्बा जी भी इतना ही अच्छा हलवा बनाते थे? अरे नहीं, अब्बा जी ने जब ये घर बनाया था ना, तो मेरी अम्मी से बिल्कुल ऐसे ही पूछा था, कैसा लगा बेगम। अच्छा, भाई मेरी जिंदगी में ना इस घर से हम और कोई चीज नहीं। और मैं? हाँ हाँ, आपके लिए भी। देखा गुलाम, ये है मेरी बेटी जो आज तक अपने बाप को याद करती है। ऐसे ही नहीं याद करती है, घर बना के दे गए थे इसलिए याद करती है। क्या क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मन में ख्यालात की डकार थी तो वो निकल गई। ओफो, आप और आपकी बातें। आया लड्डू कौन आया? अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो अंकल? कहाँ, किधर, कौन हो भाई? हम कहा जानता नहीं है, पूछे जा रहा कौन हूँ ससुर। अरे नहीं, मैं तो दामाद हूँ, ससुर जी तो अंदर हैं। हम जानते हैं तुम ससुर हो ही नहीं सकते, आज तुम दामाद हो, वो भी दो नंबर के इस घर में पले। तुम कौन हो? ओ, हमसे पूछ रहा हूँ, हम तो भूल गए हम कौन है, जो हम पूछ के आता है। हम को याद आ गया, हम सम्राटी हूँ, सम्राटी। सम्राट आने में तो अभी काफी दिन है, माफ करो बाबा, बाद में आना, जाओ। हमका कह रहा काफी दिन है, पीछे हट जाओ ना मार के चूर कर देंगे। बच्चे को गाली देते शर्म नहीं आती? गाली ना है, हम बोल रहे हैं हम मार के चूर कर देंगे। चूरा समझते हो? चूरा, आप चूरन चटनी चूरा? हाँ, बिस्कुट का चूरा। हाँ वही, हम बोल रहे मार के चूरा कर देंगे, इबी के भी सामने से हट जाओ वरना मार के यहीं पे चूर कर देंगे। अरे बात तो सुनो, क्या सुनो तो सुसर जी। भाई घर बदलने से आप लोग हमसे छुप नहीं सकते, हम आपको ना इस घर से निकाल के ही छोड़ेंगे। हाँ इधर सभी मैंने ट्रक भी साफ किया था, तुम पीछे जा, जो मर्जी कर ले मगर हम आपको इस घर से निकाल के ही छोड़ेंगे। आपकी तारीफ जितनी मर्जी कर लो भाई, ये तो अल्लाह का शुक्र है आप हमें टाइम कर रहे हो, मगर फिर भी हम आपको इस घर से निकाल के ही छोड़ेंगे। हम कहीं फंसे हुए हैं जो ये निकाल के छोड़ेगा हमें? अरे ससुर जी, ये तो अंदर ही घुसियाए चले आ रहे हैं, मेरा मतलब है घुसे चले आ रहे हैं, मैंने तो रोका नहीं। हमने बताया तो है, हम हूँ सम्राटी, इस घर का असली ओनर। ओनर? शक्ल से तो तुम किडनी डोनर लग रहे हो बाबा जी। हैं? ओनर? देखे हम बताए दे रहे हैं, हम चूर देंगे, हम हैं मालिक इस घर के, चूर देंगे। देखो किस टाइप की बातें कर रहा है लड्डू, ये किस टाइप के? नहीं, सुशी जी आप गलत मत समझिए, ये मार के चूर देंगे मतलब चूरन चटनी, मतलब जैसे बिस्कुट चूर देते ना, बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। कुछ भी है इस टाइप की बातें नहीं करें मेरे से, बना कर दो। तमीज से बात करें। तमीज से बात कर रहे हैं, हम चूर देंगे बर्बाद कर देंगे। अबे क्या मैदान है जंग से सीधा यही आ रहा है, जो चूर देगा बर्बाद कर देगा। ओहो, हम बता रहे हैं हम इस घर के असली मालिक हैं। देखे हमारी मालूमात के मुताबिक तो हमारी कोई दूसरी औलाद है ही नहीं। ओहो, वो जो तानी के थे ना, वो ससुर अबू, उन्होंने अपने हाथ से हमारे सामने ये घर बेचा। असल में वो हमसे उधार ले रहे, कर्ज वापस नहीं कर सके, हमारे नाम इजाजत कर दी, ये देख लो। ये देखिए, अब दस्तखत तो ससुर जी के ही हैं।
आप हैं कौन? हम बताता हूँ, यही तो हम बता रहा हूँ कि हम हूँ इस घर का असल मालिक, हाँ इस घर का ऑनर, और आपके जो ससुर थे उनके चचेरे भाई। छिछोरे भाई? हाँ नहीं छिछोरे नहीं, चचेरे चचेरे। और हाँ अब जाओ एक तो चाय लेके आओ और साथ में बिस्कुट भी लेके आना। हाँ ताकि आप उसे बिस्कुट को भी चूर देंगे। हाँ वही तो हम कर रहे हैं। बासन लड्डू मेरा ख्याल है तानी बेगम को जाके बताता हूँ कि ये कौन सी मुसीबत आई है। मेरे साथ आजा। जाओ जाओ जल्दी, बिस्कुट भी चूर देंगे और तुम लोगों को बर्बाद भी कर देंगे। वाह सुसर जी वाह 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 वाह, मरने के बाद भी जिंदगी से नहीं गए और जो वसीयत लिखी वो अभी पहला हक उसूलन मेरा था वो भी किसी को दे गए। कैसा उसूल कैसी वसीयत, क्या बके जा रहे हो? अच्छा मैं बकरा हूँ और आप जो पूरे घर को बकरा बनाए हैं वो। अरे भाई हुआ क्या है, क्यों पुराने रेडियो की तरह बजे जा रहे हो? कुछ शबराती आया है। शबराती? अच्छा वो निकम्मा, तब तक मैं जिंदा था वो हमारी दौलत पे ही पलता रहा और जाते जाते अपनी जायदाद उसके नाम कर ली है। अरे कौन सी जायदाद? यही जायदाद जहां आप इस वक्त टंगे हुए हैं और मुझसे मुखातिब हैं। अरे क्या सटिया गए हो, मैंने उसे किसी वसीयत में नामजद नहीं किया। क्या? हाँ भाई वो मेरे दूर के चचा का बेटा था इसलिए मैंने अपने साथ रख दिया था, बेघर था बेचारा। अच्छा अब वो ये जायदाद हड़पने आया है क्या? उसकी ये मजाल, अभी बताता हूँ उसको। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे सुन सकते हो और देख सकते हो। बदकिस्मती से। और अगर तुमने किसी को बताया ना, अव्वल तो कोई तुम्हारी बात मानेगा नहीं और दूसरे ये कि मैं खुद यहाँ से गायब हो जाऊंगा। तो अब क्या किया जाए? सोचना पड़ेगा। अब सोचेंगे आप? मेरे अल्लाह। अरे मम्मा अब बस भी कीजिए, कब तक रोएंगी आप? अरे कैसे रोना बस करूं, अरे मेरी जायदाद पे कब्जा हो गया है। हाय अल्लाह। क्या मतलब अब ये टानी हाउस नहीं रहेगा, बदल गया? अरे चुप करो जी, यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें उसके नाम की पड़ी हुई है। अरे बेगम फिक्र नहीं करो, जो कागजात उसके पास हैं वो जाली हैं। है? जाली है? क्या मतलब? अरे नहीं भाई, सुसर जी ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की उसे। मगर पापा आपको ये सब किसने बताया? सुसर जी ने, अब्बा जी ने। सुसर जी ने बताया होगा, तो मैं तो अपने अंदाजे से कह रहा हूँ ना। अरे बस करें जी आप अपने अंदाजे। अरे मैंने अपनी आंखों से उस वसीयत पर अपने अब्बा जी के दस्तखत देखे हैं। अरे बेगम मैं कह रहा हूँ ना कि कोई वसीयत नहीं की उन्होंने। मगर आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह रहे हैं? अच्छा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप फिक्र नहीं करें, बस समझाओ ना। काम मर गए सबके सब, जल्दी जल्दी राजा हम लोग भूख से बुरा हाल होएगा, रोटी ले आओ रोटी। ओह चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी दो दर्जन केले, एक दर्जन किन्नू, एक प्लेट हलीम, दो प्लेट कोफ्ते का सालन, ऊपर से 6 समोसे और ये शरबत भी मंगवा लिया। पैदा हुए खाने ही नहीं खाया क्या? फिर तुमने बकवास की ना अपने घर के मालिक के साथ, मार के चूर देंगे। मार के चूर देंगे? हम कोई मोती चूर का लड्डू है क्या जिसे तुम चूर दोगे? हम लड्डू हैं जिसे चूरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। बकवास कर लिए जी। हाँ तो जाओ फिर जल्दी से हमारे लिए थोड़ा लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो चाचा, इतना खाओगे खा खा के हैजे से मर जाओगे। घर के मालिक से सामान लड़ाता है, मार के चूर देंगे। गलती हो गई चाचा जान, मुझे माफ कर दे, आए मैं मर ही जाऊंगा। मैं अभी लेकर आता हूँ जो जो खाने में, मैं सब लेकर आऊंगा, माफ कर देना। कैसे समोसा हमने खाया?
समोसे बड़े मजे के हैं, हमने चख लिए हैं, अब पांच दर्जन ले आ। क्या मुसीबत है, ये जिन का बच्चा तो मुझे पिछले जन्म से भूखा मालूम होता है। जिन कहाँ है जिन यार? अरे ससुर जी, मैं इस मुरादाबादी की बात कर रहा हूँ। अरे मुरादाबादी नहीं है वो, छबर आती है यार। अरे जो भी है, पूरे महीने का राशन कहाँ गया है? हाँ यार, ये बात तो है यार, अब करे क्या, समझ नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और वो हमें घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। ऐसे खड़ा कर देगा घर से निकाल के बाहर? आपको याद नहीं क्या, चूर दूंगा चूर दूंगा चूर दूंगा। अरे वाह, चूर दूंगा, उन्होंने चूर दिया और हम चूर गए, वाह। बासुन नहीं गए, मैं अभी आता हूँ। सुसर जी ये लेके जाओ। ठीक है, इस उम्र में तो खाली हाथ आप कुछ कर नहीं सकते, ये खींच के मार देना उसके सर पे। ठीक है। पागल बकवास, ये क्या के चक्करों में लगा रहा है मुझे? मैं जा रहा हूँ, यहीं रहना, समझ गया? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। होय 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 होय। पोतियों के बराबर लड़कियों के नाच देख रहे हैं आप? सर जी शर्म करें, शर्म, इस उम्र में ये शौक? अरे मैं तो कमबख्त इस शबराती को देख रहा हूँ। अरे सबको छोड़े भाई, सुसर जी ये बताएं इसको निकाला कैसे जाए? माँ वो तानी बेगम ये मान के बैठ गई हैं कि आपने ये घर इस सत्यानाशी के नाम कर दिया। सत्यानाशी? अरे यही जो वबाई अमराज की तरह इस सोफे में फैला हुआ है। अरे मियाँ गुलाम, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपने दस्तखत वाला पर्चा इसको दिया कब। अरे सुसर जी, खुदा का वास्ता कोई दिमाग पे जोर डाले। अरे दिमाग के लिए जिस्म का होना जरूरी होता है, और तस्वीर का जिस्म नहीं होता। माफ कीजिएगा सुसर जी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो चुका है। खबरदार खबरदार, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हमारी बेइज्जती की हो तो। सुसर जी, शबराती का कोई हल निकाले प्लीज। मैं अभी आता हूँ। कहीं तुम हमारे जायदाद के कागज जो है वो तो चोरी नहीं करने आए ना? खाना तैयार है। हाँ खाना तैयार है। वाह जीवा, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। ऐसा लगता है भाई कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमारे मुल्क का अनाज खत्म करने के लिए आपको भेजा है यहाँ पे। हाँ चुप कर जाओ, हम सड़ी हुई गंदम नहीं खाते। हाँ हम खाने जा रहे हैं। ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी भर का भूखा है। अरे वाजी वाह वाजी वाह, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाते ही नहीं। आपसे कुछ बच जाता तो खाते ना। उन बर्तनों में खाने का होना भी जरूरी था, खाने के लिए। हमें ये बताएं, अब आप कहाँ सोचे रहे? किस बारे में? आइए मकान खाली करने के बारे में। अरे ऐसे कैसे मकान खाली कर दें हम? और नहीं तो क्या, कल को पापा कहेंगे कि ये मकान उनका है तो क्या हम मान जाएंगे? और क्या? अरे हम सिर्फ बता नहीं रहे, दिखा भी चुके हैं ये सबूत तुम्हारे अब्बा को। वही तो समझ नहीं आता कि अब्बा जी ने ऐसा क्यों किया। ओहो भाई, हमसे उधार पैसे लिया ना, वापस नहीं कर सकत, तो बस यही मकान हमारे नाम लिख के तो चल दिया। तो आप अभी तक कौन से सुनहरी मौके का इंतजार कर रहे थे?
पागल है का? हमें वसीयत नहीं मिल रही थी ना, वो लिखा हुआ कागज नहीं मिल रहा था, अब मिल गए तो हम आ लिए। तो हम कैसे मान लेंगे भाई कि ये वसीयत जो है ये असली है? मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मार के चूर कर देंगे, और अगर फिर भी नहीं मानोगे ना तो बुलाएं क्या पुलिस को? पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। ससुर जी, मम्मी जी, हम लोग कर लेते ना। चलो ठीक है, अगर आपस में बैठ के फैसला करना है कोई भी के भी कर लेते हैं। अब देखो ना, हम सराफत से यहाँ से चले जाएंगे, प्यार मोहब्बत से चले जाएंगे, मकान भी तुम लोगों को दे जाएंगे, बस एक काम कर दो, पैसे दे दो थोड़े, 50 लाख। 50 लाख? गुलाम, अरे ओ गुलाम, अरे कहाँ मर गया कमबख्त? अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आहिस्ता बोले कि सुन लेगा। अरे बेवकूफ, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई सुन और देख नहीं सकता। अरे हाँ हाँ सुधर जी, बताए मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, अब है कहाँ गए? अरे सबूत इकट्ठा करने गया था। सुसर जी ले आए, ले आए? नहीं तो फिर इस तरह जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत थी आपको? अरे सबूत नहीं मिला मगर याद तो आ गया। क्या? यही कि इसके पास मेरे दस्तखत कहाँ से आए? कहाँ से आए भाई? मैंने खुद ही इसको घर से निकलते वक्त एक कोरे कागज पे दस्तखत करके दिए थे कि भाई जो कुछ चाहो अपने नाम कर लो। सर जी लोग ब्लैंक चेक देते हैं, आपने पूरा पर्चा दे दिया, बल्कि पूरी जायदाद दे दी। सर जी एक बात समझ में नहीं आया, इतने सालों के बाद वो क्यों आया? दरअसल मैं पिछले हफ्ते इसके ख्वाब में गया था और उससे उस कागज के बारे में पूछा था, तो शायद है कि उससे इसके दिमाग में आइडिया आ गया। आपके खुद के पांव तो रहे नहीं, इसलिए आपने कुल्हाड़ी हमारे पैरों में मारी, और वो भी अपनी सगी बेटी की। कह तो सही रहा है भाई। कोई है का? जाके बाहर देख लो कौन है गवाह, हमारा प्रोग्राम सारा खराब कर दिया। अरे चाचा बरसाती, मेरा मतलब है चाचा शिवराती, आपके पास टीवी देखने, खाने पीने, सोने जागने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जाके दरवाजा तो खोल ही सकते थे। हाँ कर ले, चबड़ 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 कर ले, बस 2 दिन तलक करेगा तू, उसके बाद तो इस घर में सिर्फ हम अकेले नवाब बन के बैठेंगे ना, बड़ा टीवी लगा के देखेंगे। जल्दी कर, क्या देख के बाहर कौन है गवाह? हाँ देखता हूँ। अरे अब क्या हो गया, अब आप लोग यहाँ क्यों आए भाई? क्या बात है, ये क्या शोर लगा रखा है भाई? देखिए ना ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसे आए। क्या ये सब बर्बादी कम से चीजें भी आ गए? और बंद करो अपना ये ड्रामा, और ये बताओ तानी बेगम कौन है? मैं हूँ। अच्छा तो मालिक बिन जाबर तुम्हारे बाप का नाम था? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम्हारे वालिद ने इनके वालिद से 2 करोड़ रुपए उधार लिए थे और देने से पहले उनका इंतकाल हो गया। क्या 2 करोड़ रुपए? मम्मी जी इतना कर्जा तो पूरे पाकिस्तान पे नहीं होगा जितना आपके वालिद साहब ने ले रखा था। ओए बको मत, और इस घर को नीलाम करके भी 50 लाख कम पड़ेंगे, और वो हम इस घर के मालिक यानी आपसे लेंगे। एक मिनट, घर के मालिक से? और ये कानून तो यही कहता है। तो घर के मालिक तो ये है, घर तो इनके नाम हो चुका है। नहीं नहीं ऐसे ही बकवास किया जा रहा, और कोई हमारे नाम नहीं है घर। ए पुलिस झूठ बोल रहा, हमारे पे इल्जाम तराशियां कर रहा, हमारा कोई घर नहीं है ये। क्यों तुमने नहीं कहा था? और वो वसीयत? ओहो वो वसीयत तो मैंने यही कहा था, मेरा उस वक्त मजाक करने का मूड था, वैसे भी वो वसीयत तो 2 नंबर थी, जाली थी। मेरा नहीं है घर, ये घर में छोड़ दूँ आपका 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 आपका। और 50 लाख रुपए ना देने की सूरत में 500 साल जेल काटनी होगी इस घर के मालिक को। मेरी तो इतनी उम्र बाकी नहीं है, मैं तो थोड़ा अर्सा जीऊंगा। इनके खानदान में 600 साल होती है इनकी उम्र, इनको पकड़ लो। मैं बड़े अदब से जाऊंगा, अदब से। चलो भाई ये बला तो टली। अरे अभी कहाँ टली, वो गए और ये आ गए।
मम्मी जी मैं आपको समझाता हूँ, ये जो बेग साहब है ना, ये तो आप जानती हैं हमारे मोहल्ले में रहते पुलिस वाले, वो मेरा दोस्त है। मैंने इन दोनों को सारी सिचुएशन बताई तो इन्होंने कहा कि हम मिलके शिवरात्रि का भांडा फोड़ देंगे, इसीलिए बस। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे अब्बा जी ने कोई कर्जा नहीं लिया था। मतलब अब हम इस घर में रह सकते हैं? हाँ, लेकिन एक छोटा सा मसला है मम्मी जी। मैंने इन लोगों से वादा किया था कि मैं इन लोगों को 5,000 रुपए दिलवाऊंगा, तो दे दे। हाँ? बस बस रहने दो, मेरे पास कोई नहीं है 5,000 रुपए, 5 और 5 10। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए भला? मम्मी जी सुन, हनी हनी, मुझे पता है तुमने अपनी कबर्ड में अपने कपड़ों के नीचे बहुत सारे पैसे छुपा के रखे, प्लीज उसमें से 10,000 रुपए दे दो ना। अब लड्डू, अब 10,000? मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। अच्छा मुझे ना भूख लगी, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। हनी 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 हनी, और देखो भाई मेरे हालात तो तुम्हें मालूम है, मैं तो कपड़े भी मांग मांग के पहनता हूँ। किधर भाग रहे हैं? और तू तो हमें कह के आया था कि 10,000 दिलाऊंगा, आधे तुम्हारे और आधे मेरे। अब तू पिटाई खा वो भी ससुर जी। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।